जय जय, ये को थोड़ा कम हो सफाई। जय 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 जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 से हमारे यहाँ। जय जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। हेलो, बोलना ईगो। हेलो 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 हेलो। जय 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 जय। एक रिपीट दे, एक ही रिपीट। जय 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 जय। कणकण में विराजे हुए श्री सीताराम जी दृश्य दृश्य अभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए श्री भूत बावन भोलेनाथ सदाशिव जगत जननी पराम्बा जगदम्बा माँ अनंत बरवंत श्री हनुमान जी महाराज नगरी के सभी देवी देवता पुरुषों का पक्ष किधर है भाई? इधर माताएं इधर थी इधर। ये कौन सा लिखा है इस पे? पुरुष इधर। इधर धुन पे धूप आती है, तुम तो व्यवस्था करते रहोगे। माताएं इधर आ जाएं, इस कक्ष में आ जाओ। पुरुष इधर आ जाओ भैया, अपने वहां बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो तिपाई रखी है भैया, ये तिपाई खड़ी रखी, इसको नीचे डाल देना फोल्ड करके, किसी के ऊपर गिर सकती है वो। हेलो 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 हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 जय। सभी महानुभाव दो बार प्रभु नाम स्मरण करेंगे, उसके बाद ज्ञान गंगा के द्वितीय प्रवाह में आनंद लेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल के सब माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल के सब माधव हरि हरि बोल। के सब माधव हरि हरि बोल। के सब माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल राम राम बोल। कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। शिव शिव बोल शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव
कैबिनेट लगे दोनों, बेस थोड़ा कम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 जय। बोलो मशीन से थोड़ा जय 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 अजी। मोबाइल वाले कौन है भैया, आप किस काम के बताओ, किसके हो? ठीक। और ये लोग जो छोटा बच्चा हटो वहाँ से, केवल उतने ही रह जाए या लीडर बेटा बदल दो भाई, दिक्कत खत्म हो जाए। माताओ अपने कूलर से बैठो जाओ, कूलर तुम्हारा है, बैठो वहीं से जाके बैठो, वहीं से शुरू हो जाओ, बैठो आप लोग इधर आ जाओ, तुम्हारा कूलर लगाए उधर वहीं से बैठो, आप इधर आ जाओ सब लोग इस साइड जाओ, कूलर बैठो, तुम्हारे लिए व्यवस्था है, जाओ आगे आ गई हो तो कूलर बैठो, देर से आएगा वो अपने आप, अपने जूता चप्पल भी ले जाओ वहाँ से भैया, कूलर के सामने जूता चप्पल है वो भी ले जाओ, रस्सी के इधर आ जाओ आप सब लोग, रस्सी के इधर। हेलो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल प्रभु कृपा से परीक्षा जी गंगा जी के किनारे पहुंचे, थोड़ा ईको में डालना है, थोड़ा सा ईको, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। हेलो, और श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया था, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम, हाथ मत धरो वहीं आवाज जो हो जाए, एक बार टन गई, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हमेशा मरने वाले को क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु सातवें होनी उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया गया था। हम लोग हमेशा मरने वाले हैं, शास्त्रों में ऐसा लेख है, मृत्यु को सरस बाई लिखा गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मृत्यु को सरस बाई लिखा गया है, ये बच्चों को अलग करो, अभी चालू कर दिया। बोलो वृंदावन में हरे लाल की जय। पीछे पहुंचाओ सबके पीछे, श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देना शुरू कर देते। वरिया ने सते प्रश्न क्रतो लोक इतम न पहा। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, क्यों? लोक हितकारी प्रश्न किया है, आत्मित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादि से आप रहा। तुम्हारे प्रश्न का आत्मज्ञानी बड़ा आदर करेंगे। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नाम संत सहस्र सा, तुम जैसा श्रोता हजारों पुरुषों में कोई एक मिलेगा। सीताराम, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संत सहस्र, हजारों श्रोताओं में तुम जैसा कोई एक श्रोता मिलेगा।
अपस्यतात् महात्मतत्त्वं ग्रहे सुग्रहमेदिनां। गृहस्थी के चक्कर में आत्मतत्व को प्राणी भूल जाता है। दुनिया की सब बातें याद रहती हैं, दुनिया के मोबाइल याद हैं, लेकिन कभी हमारा जो कल्याण करने वाले हैं उनके मोबाइल हमारे पास नहीं है। यही ताज्जुब देखा गया, निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहे न चवाव्या। आधी उम्र तो सोते सोते व्यतीत हो जाती है, आधी उम्र में से 20 वर्ष वृद्धावस्था की चली गई, 20 वर्ष बचपन की चली गई, 10 वर्षें घर के काम में लगी रहती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः। हे राजन, भगवान का ध्यान नहीं कर पाते। एतावान् सांख्य योगाभ्याम सदवा परिनिष्ठया। ये मैं सांख्य योग सभी दार्शनिक और वैज्ञानिकों की पद्धति से बता रहा हूँ। जन्म लाभ परापुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस मानव तन का ये लाभ है, अंतिम समय नारायण की याद आ जाए, अंतिम समय नारायण की याद आ जाए, यही मानव तन का लाभ है। आप देखो गीता जी में यही कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरमंत्वा करेवरम। हे अर्जुन, अंतिम समय मेरी याद करते हुए जो शरीर छोड़ता है उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस में भी यही लिखा गया है, बाली के बहाने से कहा गया है। जन्म जन्म मोन जतन कराही, जन्म जन्म मोन जतन कराही, राम कहि आवत नाही, राम कहि आवत नाही, जन्म जन्म जन्मांतर तक प्रयास करने के बाद अंतिम समय राम जी का नाम नहीं आता है। इसलिए हे ऋषियो, इदं भागवतम नामा पुराणं ब्रह्म समितम। ये भागवत ब्रह्म समित पुराण है। श्री परीक्षित जी ने सोचा समय बहुत कम रह गया है, अब मेरा कल्याण होना असंभव है। उस समय श्री सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञाता यता म्यायसा। हे राजन, कल्याण के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। खटवांग महाराज तो 2.25 घड़ी में अपना कल्याण कर गए। स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप सत्य बोलोगे, ईमानदारी से रहोगे, दान लोगे, धर्म करोगे, पुण्य करोगे, तब स्वर्ग मिलेगा। नरक जाने के लिए भी झूठ बोलने पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी, गरीबों को कष्ट देना पड़ेगा। दूध में पानी मिलाओगे, सरसों में पानी से गीली करोगे, तमाम काम करोगे, तब नरक मिलेगा। लेकिन मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे माँ के उदर से बाहर आए तो क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था, कुछ नहीं था, वैसे ही हो जाओ, अभी एक क्षण में मुक्त हो जाओगे। ऐसे कह दिया, हे राजन, मुहूर्तम सर्वमुसृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में भी निर्भय हो जाओगे, हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। फिर दूसरी बात यह है, मैं फलार करने वाला आचार्य थोड़े हूँ, न दक्षिणा चाहिए, न मुझे भोजन चाहिए, मैं मुक्त हूँ, तुझे मुक्ति दे के जाऊँगा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया। हे राजन, तावप्य हे तर कौरव्य सप्ताहम जीवता विधि। तेरे जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है। अब इसे न मनसा शुद्धम, अभ्यास करके मन को शुद्ध कर लो। त्रिब्रह्माक्षरम परम, ऐसे प्राणायाम के द्वारा
मन को निर्मल करने के बाद अभ्यास से मन को शुद्ध करो। बेटा पैर पालती मार के बैठो। कथा में सबसे पहले श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जित आसनो जित श्वास। सबसे पहले आसन को जीतो। जिस आसन से तुम 6 घंटे बैठ सको उससे बैठ जाओ। फिर जित श्वास हो श्वासों को जीतो। श्वास आराम से लो, कम लो। जित संगो पहचान वाले की बगल में मत बैठो, क्यों पहचान वाला बात करेगा तो कथा में विघ्न पैदा होगा। इसलिए जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतो। तुम्हारे मन में बार बार तम्बाकू बीड़ी अथवा अन्य विषय का चिंतन न हो, ऐसे स्थूले भगवते रूपे मन संधारेते धुया। स्थूल सूक्ष्म सब में भगवान का दर्शन करो। हे राजन सबसे पहले आसन लगाओ, फिर मूलाधार चक्र जो मलद्वार के ऊपर है उसे प्राणवायु के द्वारा जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको ऊपर बढ़ाइए। स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि में है उसका भेदन करिए। फिर सुषुम्ना से मणिपुर चक्र का भेदन करिए जो हृदय में है। अनहद चक्र का भेदन करिए जो छाती में है। विशुद्ध चक्र का भेदन करिए जो कंठ में है। आज्ञा चक्र जो भौं के बीच में है। सहस्रार चक्र जो खोपड़ी ब्रह्मरंध्र है। ऐसे सभी प्रकार के चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र के द्वारा प्राणवायु को निकाल दिया जाए, प्राणी मुक्त हो जाता है। ऐसे हे राजन जीवन मुक्त हुआ प्राणी जहाँ रहेगा वह मुक्त ही माना जाता है। शब्द ही ब्रह्म है। बहुत बड़ा पृथ्वी जे विशाल तखत है, चारपाई है, तो किसी के पास चारपाई मांगने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चारपाई मांगने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परम तत्व को प्राप्त करना है तो प्रथम करे सतसंगत जाई मनोवृत्ति जग जाल बिहाई। सबसे पहले हमें सत्संग करना है। सत्संग से मन की वृत्ति सद जाती है, जगत का जाल छूट जाता है। एकाकी बन जाए अमल जल थल ही निहारे प्राण। ये जीतते हुए और पवन को रोकेंगे। चेतन चले तन ना हले राखे योग जमाए सहज सच्चिदानंद में योगी जाए समाए। चित्त का चलना रुक जाए, तन का हिलना रुक जाए। जब तक चित्त हमारा चल रहा है तब तक दिक्कत है। बहु झाड़ू लगाते लगाते देहरी तक आए। पड़ोस
मौसी ने पूछा, बहू रानी, बोले हाँ चाचा जी, तुम्हारे ससुर साहब कहाँ हैं? तो उसने कह दिया, वो तो मोची की दुकान पे जूता कटवा रहे हैं। इतने में बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके ससुर साहब आए, पड़ोसी ने कहा, भैया बोले हाँ, तुम्हारे बहू तुम्हारी झूठ बोलती है। बोले ऐसा नहीं, हमारी बहू कभी झूठ नहीं बोलती। तो कहा, अभी की बात है, हमने पूछा आप कहाँ गए हैं, तो उसने बहू के चरणों में गिर पड़ा। बेटी, मैं शरीर से पूजागार में बैठा था, मन से जूता कटवा रहा था, मैंने अपने मन को नहीं जान पाया, तूने मेरे मन को पकड़ लिया है, इसलिए तू मेरी भी गुरु है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। ऐसे उन्होंने वर्णन करने के बाद कह दिया, यज्ञम यज्ञ काम शोक काम प्रचित साम। जैसी कामना है, विद्या की कामना है, तो दंपति भगवान गौरी शंकर की पूजा करें। अकामा सर्व कामों व, कोई कामना नहीं है तो भगवान की पूजा करें। तीव्रेण भक्ति योगे न येत पुरुषम परम। इस मानव तन में जो सत्कर्म नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता है, उसके प्रशंसक चार लोग होते हैं। इसी तरह सवेत बराहो ठकर संस्था पुरुष पर, उसकी प्रशंसा कुत्ता करता है। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जो जरा जरा बात पे झगड़ा करता है, जरा जरा सी बात पे झगड़ा करती है, तो कुत्ता कहता है कि सकल हमारी तुम्हारी अलग अलग है, अकल एक, जो सब का खा लेता है। सोकर कहता है, जो सब का खा लेता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, स्त्री का, पुरोहित का, गरीब का, तो सोकर कहता है हम भी सबका खा लेते हैं, तो हमारी तुम्हारी केवल सकल अलग अलग है, अकल एक जैसी है। ऊंट ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जिसे जरा इसी संपत्ति मिल जाए, विद्या मिल जाए, पद मिल जाए, तो सिर उठा के चलता है। उतंग से रहा उस समय ऊंट कहता है कि हम भी सिर उठा के, पिताजी बाहर जाओ, आंगन में बैठने तक नहीं देती हैं, चाय के लिए दूसरे के द्वार पर बैठे हैं और घर में काम कर रहे हैं। तो गधा कहता है हमारी तुम्हारी केवल सकल अलग अलग है, अकल एक जैसी है। हम भी मालिक के लिए दिन रात बहान ढहते रहे, ढोते रहे, ईंटें ढोई, लादी ढोई, मिट्टी ढोई, लेकिन मालिक ने हमें कभी प्रशंसा नहीं की, इधर भगा दिया उधर भगा दिया। ऐसे ही तुम्हारे बहू बेटा भी तुम्हें चाय तक नहीं देते, भगा देते हैं, और तुम इसी घर में लगे हो। तो गधा उसकी प्रशंसा करता है कि हमारी तुम्हारी सकल बस अलग अलग है, अकल एक जैसी है। ऐसे मानव तन लेके भगवान का चिंतन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बरहाए ते नयने नराणाम। ऐसे जिसने भगवान का दर्शन नहीं दिया है, उसके लोचन मोर के पंख जैसे हैं,
इसी बात को गोस्वामी रामचरितमानस में लिख रहे बरहा यते वो कह रहे हैं लोचन मोर पंख कर लेखा की कथा नहीं सुनी है वो कान बामी की तरह बेले बतो रुक्रम मेव एवचा हाथ मत रख तो हमारे मुंह को इधर उधर करने नहीं देगा मिसल आती है वो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय प्रभावित हम होंगे किसी को दबाओगे प्रभाव हम पे पड़ेगा इसलिए एक बार सेट कर दो फिर अच्छे बोलो गुरुदेव भगवान की जय ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं मानव तन पाके प्रभु चिंतन किया जाए प्रभु चिंतन करते रहे कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय कार्य कारण करता कम कौन कम किया उसको बढ़ाइए कौन सी कम की तो हमें थोड़ी बढ़ा दी थोड़ी सी बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय 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 को डाल दो दोनों को डाल दो जय जय बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय बस ठीक है ऐसे वाचाम बयनेर मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्तधातवः ये मानव तन मिला हुआ है इससे हम परम तत् परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाए तो ये सब शरीर व्यर्थ हो जाता है ऐसे दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन कर दिया सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति सद्य माने सीधे मुक्त हो जाना क्रम माने क्रम क्रम से मुक्त हो जाना आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मना हे राजन तो मुक्तियों का वर्णन कर दिया सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति सद्य माने सीधे परमात्मा में मिल जाना क्रम माने क्रम क्रम से सब लोक में होते हुए प्रभु के लोक में जाना ये दोनों मुक्तियों का वर्णन कर दिया इसी के साथ दूसरा स्कंद पूरा हो जाता है श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय वो कथा हमें सुना दीजिए ऐसे सुनकर प्रश्न कर दिया विदुर जी भारत के मंत्री थे पत्र छत्र भगवता मैत्रेय संगम उनका मैत्रेय जी से समागम कैसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये तो विदुर जी थे भारत के महामंत्री थे मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते थे कैसे उनसे मिलन हुआ किस तरह दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर विदुर जी का केले का प्रसाद पाया ये पूरी बात हमें सुना दीजिए तब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहने लगे हे राजन यदा तो राजा ससतान साधून पुष्टन्न धर्मेन विनष्ट दृष्टि जिस समय महाराज श्री धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे
पांडु के 5 पुत्र थे, पांडु समाप्त हो गए तब ऋषि उन पुत्रों को धृतराष्ट्र को सौंप गए थे। अपने 100 पुत्रों से अपने भाई की पुत्रों की देखभाल ज्यादा करनी थी, लेकिन भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान विवदून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, लाख के भल में जलने को आदेश कर दिया। उस समय विदुर जी ने सोचा कि ये अन्याय शुरू कर दिया है और अन्याय का तो विनाश होता है अंत में, इसलिए इनका विनाश होगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने मंत्री पद को छोड़ने की इच्छा की। दूसरा कारण क्या हुआ, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्श सुत कर्म गरिहम, जिस समय द्रौपदी के वस्त्र खींचने का आदेश कर दिया था, दुर्योधन ने दुशासन ने बाल पकड़े और जैसे ही द्रौपदी के वस्त्र खींचना शुरू कर दिया, उस समय द्रौपदी का काजल आँखों से बहता हुआ वस्त्रों तक ढरक रहा है। द्रौपदी पूछ रही है कि गुरुजी पितामह ये सब बताएं, हारा हुआ व्यक्ति अपने पत्नी की साड़ी दांव पे कैसे लगा सकता है। न बार या मास न पश न साया शास्त्र ही हरंत्या कुछ कुंकुमानी, लेकिन बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, रोक नहीं रहे। तीसरा कारण, द्योतैत धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य, जुआ के माध्यम से धर्मराज को अधर्म से जीता गया। ऐसा बताते हैं कि जो पासे थे वो शकुनी के पिता की हड्डी के थे, जबरदस्ती से उसकी बेटी का जब हरण कर लिया था भीष्म पितामह ने, तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं कौरव पांडव वंश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विनाश करा दूंगा, तो उनकी हड्डी से वो पासे बने थे। तो शकुनी भी चाहता था कि मैं दोनों में विनाश कराऊं, झगड़ा कराऊं, बस इसीलिए वो पासे शकुनी जैसा मांगता था वैसे ही पासे गिर जाते थे, उनके पिता की हड्डियों के थे, ऐसा लेख मिलता है कई जगह। तो यहाँ लिखा है द्योतई तो धर्मेण जितस्य साधो, अधर्म के माध्यम से धर्म को जीता गया और सत्य का अवलंबन लेके वो जंगल में चले गए। वन से लौटकर एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके पांडव जब आते हैं, उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। न याचितो दात समय न दायम, मांगने पर भी कौरवों ने ये ठाकुर जी पर नौछावन नहीं की जाती है, सीधा चढ़ा दो जो तुम्हें चढ़ाना है, नौछावर करोगे तो नाव का हिस्सा हो जाता है, उसे नाई को दे दो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय, तुम्हारा श्री वर्णन करते हैं। जिस समय विराट भगवान हुए थे, कौरव की सेना भगवान की एड़ी तक नहीं पहुंच पाई, सभा का विसर्जन हो गया था, भूखे चले जाएंगे। विदुर जी ने कहा वहाँ तो 56 प्रकार के व्यंजन कल से बन रहे हैं, क्यों भूखे चले जाएंगे। तो कहा दुर्योधन के यहाँ सब कुछ है, एक वस्तु नहीं है। बोले क्या,
मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, मिलन सम सुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। नहीं दरिद्र सम दुख, दरिद्रता माने पैसे की कमी नहीं है, घर में अन्न न होना नहीं है। दरिद्रता वो है जो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो सबसे ज्यादा दुख है। इसलिए संत मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है। और दव जी को विदुर जी मिले, उन्हें भगवान की याद आई और ये गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं आंख बंद करते ही। तीव्रेण भक्ति योगे ना निमग्ना साधन वृत्त, पुल को भिन्न सर्वांगो मुंचन मूल सासुच, सनकई भगवान लोक। आंख बंद करने से भगवान के लोक में पहुंच गए। क्यों जी, ये आंख बंद करने से भगवान के लोक में कैसे पहुंचे? दोनों को प्रभु की झांकी हो गई, दोनों भक्त थे, भक्ति का प्रभाव बढ़ गया और आंख खुलते ही नलोक पुनरागत, फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जैसे ही मानव मनुष्य लोक में आया, उसे दुनिया की बातें समझ में आने लगती हैं। चर्चा करते करते श्री विदुर जी, सीताराम ये बंद क्यों हो जाता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब की तीसरा मौका है, अब की हटा दिया जाएगा तुम्हें। ऑर्गन बंद हो गई, सीधा ग्वालियर पहुंचाया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं, उस समय भगवान का ध्यान करते हुए सीधे हरिद्वार पहुंच जाते हैं। श्री उद्धव ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया और विदुर जी को वहाँ छोड़ करके बद्रीनाथ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान ने कह दिया था, उद्धव तुम तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ जाओ, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ, पहले तपस्या करना और तपस्या करने के बाद फिर लोगों को सीताराम भागवत की कथा सुनाना। श्री उद्धव जी तपस्या उन्हें सुख मिलता नहीं है, दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों है? क्यों जी, अपन ने मकान बनाया तो मकान सुख के लिए बनाया कि दुख के लिए? सुख के लिए बनाया, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, 80 वर्ष की, 85 की, 90 वर्ष की उम्र हो जाती है तो सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं जाता। तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, छज्जे के नीचे चारपाई डाल देते हैं, पानी डाल देंगे। अब सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं जाता, पुरवई हवा से पानी बरसे तो छज्जे वाला डुकरा भींगेगा कि नहीं नीचे वाला? एक बार हम गए थे गोहदी, तो मुदगल जी छज्जे के नीचे चारपाई थी, उनसे सब गोहदी के लोग कक्का कहते थे, तो हम भी उन्हें कक्का कहने लगे, उम्र उनकी ज्यादा थी। उन्हें बैठाया, बैठ गए हम, तो उनकी बगल में तीन रस्सी लटक रही थी, तीन रस्सी। तो हमने कहा चैन पुली है, क्या लटक रहा है ये? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, कभी आप पंडित जी जवान जवान मन सो, हमें बुढ़ापा आ चुका है,
और हमारे समधियों ने बड़ी बड़ी मोटर एग्जॉट जिन कूलरों में लगी है, बड़े बड़े कूलर दे दिए हैं। अब प्यास लगती है तो यहाँ से बहुएं सुनती नहीं है, तो जी बड़ी बहू को डूमा ऊपर बंधो है, बड़ी बहू के कमरे में डूमा है, वो सुन लेगी। अब वो नहीं सुनेगी, सो गई, तो जी बीच वाली बहू को डूमा है, वह कमरा में डूमा है, तो वो बजा देते हैं, सुन लेती है। वो नहीं सुनेगी तो जी छोटी बहू को डूमा, तीनों बहुओं के डूमा टंगे हुए हैं। तो बुढ़ापा आता है तो बताओ डूमा टांगने पड़ते कि नहीं। और प्यास लगती है, बच्चा सुनते नहीं है, तो मकान सुख के लिए बनाए कि दुख के लिए? सुख के लिए, नहीं दुख मिला कि नहीं? आप देखो बुढ़ापा आ जाता है, देहरिया पर्वत वही अंगना भय विदेश, बूढ़ी माताएं कमरे में से ही पूछती रहे काय बेटा ऊषा कै बज गए कि अम्मा आवे तो दो बजे, दो ही बजे। बूढ़ी अम्मा के सब कमरे में बजते रहते हैं, कोई अच्छी बेटी है अच्छा बेटा है तो बांह पकड़ के धूप में बिठा देता, नहीं तो कमरे में ही सब बजते हैं। तो मकान सुख के लिए बनाया, बच्चा सुख के लिए पढ़ाया कि नहीं? अब बड़ी पढ़ी लिखी बहू चाहें तो बच्चे की सर्विस लग गई अमेरिका में, और बहू का भी जॉब लग गया अमेरिका में, दोनों चले गए। अब बताओ घर में कोई है, बुखार आ जाए तो कौन ले जाए बताओ? बच्चा है ना बहू है, कोई नहीं है। तो कर्म किया था सुख के लिए, लेकिन बदले में दुख मिला है। ऐसे हम लोग कर्म करते हैं सुख के लिए, दुख मिल जाता है। मोह से कर्म करते हैं और मोह सभी दुखों की जड़ होती है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, सकल व्याधिन कर मूला, जेहते पोने उपजहि बहुसूला, दुख होता है। क्यों जी? कोरोना में कई लोग मरे, हमें दुख नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो मरा, हमारा बीमार हुआ तब दुख हुआ। तो मरने में दुख नहीं है, मोह में दुख है। हमारा मरेगा, हमारे की परेशानी आएगी, दुख हो जाएगा। ऐसे संसार के लोग मोह से कर्म करते हैं, मोह दुख की जड़ है, ऐसे कहते हुए समझा दिया। उस समय श्री भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हाथ घुमाने से पैसा नाई का हो जाता है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं हाथ न घुमाएं, जो आपको चढ़ाना है सीधा चढ़ाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की। महाराज मोह सब व्याधियों की जड़ है। माँ वेद गर्भ गांधी सर्ग उद्यम माँ वह भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण शयन कर जाते हैं, उनकी नाभि में कमल पैदा होता है, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हवा के झोंके के साथ ब्रह्मा जी सोचें अब गिरा अब गिरा, बस उसी समय कमल की नाल में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अपने उत्पन्न करने वाले का पता लगाने के लिए कमल की नाल में प्रवेश करते हैं। एक वर्ष का समय पूरा होता है, 100 वर्ष का समय पूरा हो जाता है, पैदा करने वाले का पता ठिकाना नहीं मिलता है। उस समय ब्रह्मा जी स्तुति तपस्या करते हैं, भगवान नारायण दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, माँ भेद गर्भ गातंद्री सर्ग उद्यम माँ वह, अरे ब्रह्मा तुम तपस्या करने के बाद सृष्टि का विस्तार करो, पहले जैसी थी वैसी सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं विस्तार तो करूँगा, लेकिन माया आपकी मुझे ग्रसित कर लेगी। भगवान ने कहा माया को तुम अपनी मत मानना, दैवी हे साम गुणमयी मम माया दुरतया, ये माया मेरी है, इसको तुम अपनी मानोगे तो परेशान करेगी। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं पहले तपस्या करो फिर विस्तार करो। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने
मात सर की रचना की, मात तत्व सर की पहले रचना करते हैं, फिर अहंकार सर की रचना की, फिर भूत सर की रचना की, इंद्रिय सर की रचना की, देव सर की रचना की, अविद्या तामेश्वर अंधतामेश्वर मोह तम महामोह पांच गांठों वाली सृष्टि का विस्तार किया, फिर लता वनस्पति की रचना की। इसमें बिना मोर के बिना बौर के फल आ जाता है, उसे वनस्पति कहते हैं। जैसे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलो गोविंद भगवान की जय। आमने सामने मुंह मिला के बैठोगी तो बातें करोगी। देखो पहले तो कोई विद्यार्थी देर से आता तो मैं क्रोध आता था, तो आप श्रोता देर से आवे फिर पांच छलवावे, इसलिए आप लोग शांति से बैठी रहो। वैसे पैर कभी नहीं छुएंगे, यहाँ जरूर छुएंगे दिखावने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए निवेदन है देर से आओ तो जहां जगह मिले वहीं बैठो। महाराज श्री वर्णन करते हैं वनस्पति की रचना कर रहे थे। बिना बौर के जो फल आ जाता है, बरगद है, पीपर है, उमर है, औषधि, औषधि की रचना की। अब पहले परिभाषा सुन लो, दाने के पक जाने पर जो पौधा जमीन पर गिर जाता है उसे औषधि कहते हैं। कोई नाम बता सकता है? अच्छा, बीमारी सबसे ज्यादा कौन सी है? सबको लगी है, यहां भी लगे, वहां भी लगे, देश में लगे, परदेश में लगे, घर में लगे, राजा को लगे, गरीब को लगे, ब्राह्मण को लगे, साधु को लगे। सबसे बड़ी बीमारी है भूख की। भूख सबको लगती है, और भूख का जो औषधि है, तो हमने यही तो कहा था कि पौधे के पक जाने पर, जैसे गेहूं का पौधा दाना पक गया है तो पौधा गिरेगा, फिर आप थोड़ा बहुत दो एक दिन खड़ा रहेगा, आखिर दाना पकने पर पौधा खेत में गिर जाएगा। चना है, बाजरा है, ज्वार है, दाने के पक जाने पर पौधा जमीन पर गिर जाता है, उसे औषधि कहते हैं। ये परिभाषा हम कर रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद लता तक्षार वीरोद्रम, ये सब प्रकार की सृष्टि का विस्तार करते हुए ब्रह्मा जी ने गौ की रचना की, सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उनके माइक में ही को देना पड़ेगा, देख लो कितना दोगे उतनी वापस लोगे। देखिए गाय की रचना करते हैं। गाय छोटी बछिया है, बोलने लगती है। बोलूं दो थोड़ा, अब ये बड़ी हो गई है। उसके बाद भैंसी, आने दो थोड़ी देर में सर, भैंसी भैंस बड़ी हो गई। उसके बाद सूकर की रचना करते हैं, छोटे छोटे हैं ये। अब ये बड़े हो गए। उसके बाद एक खुर वाले सबसे पहले गधा की रचना करते हैं, और गधा की भाषा नहीं बोलेंगे। राम बिहारी हाथ क्यों लगा रहे हो, सीधे बैठो। ऐसा लिखा हमने देखा, हमारी माताजी मना करती रहती थी, हाँ कुछ मत बोलो, बोलो मत, तुम बोलो मत, चिंता मत करो, हमारा मुंह हटेगा, मिसल आ जाएगी, ये तुम्हारी माइक नहीं दे रहा है, हम हटाएंगे तुम आ जाएगी, तुम घबराओ मत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताजी मना किया करती कि गधा की भाषा मत बोला कर, तो हमने कि इन्हें कहाँ से अध्ययन, देखा मनुस्मृति पढ़ रहे तो मनुस्मृति मिला था, अग्नि पुराण में मिला कि ब्राह्मण को गधा की भाषा नहीं बोलना चाहिए, तब से नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर घोड़े की रचना की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद ये फिर
पांच नख वाले सबसे पहले स्वान की रचना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। स्वान के बाद आराम से कंट्रोल कर लो, बस उन्हीं को छोड़ और दूसरे को मत छेड़ना। करिए स्वान के बाद श्रृगाल की रचना करते हैं। गीदड़ के बाद फिर वृक, उसके बाद व्याघ्र शेर की रचना करते हैं। शेर गुर्राने लगता है, उसके बाद फिर ये मारजारी बिल्ली की रचना करते हैं। बिल्ली के बाद फिर ये कभी बंदर की रचना करते हैं। बंदर के बाद ये फिर पक्ष वाले में सबसे पहले मोर की रचना करते हैं। मोर में रिपीट डाल दिया करो। उसके बाद फिर ये पपिया की रचना करते हैं। कोयल की रचना करते हैं। उसके बाद एक पक्षी ऐसा है, एक बोलता है तो अलग, अनेक बोलते तो अलग, उसकी भाषा सुनेंगे आप। अभी एक बोलेगा, अब ये बहुत बोलेंगे, ये गेंगा है, गेंगा एक बोलता है तब अलग, अनेक बोलते हैं तब अलग। उसके बाद पायल की रचना करते हैं। ये देव यक्ष गंधर्व, इनकी देवांगनाएं चलने लगती हैं, पायल बहती है। उस पायल में हमारे राजेश पंडित जी और ये राम बिहारी दोनों साथ देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी आप लोग देख नहीं पा रहे हो कहाँ से आवाज आ रही है, तो जब महाराज होगा तो इन पंडित जी को खड़े करेंगे, नंगा जोड़ी लेंगे, फिर ये आवाज निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मशीन को वही इसी जगह थी, उसको सेट कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सभी देवासुर मनुष्य सबकी रचना करते हैं। रचना करने के बाद ब्रह्मा जी समय की रचना करते हैं। सबसे छोटा समय परमाणु होता है। परमाणु जब दो मिलते हैं तो अणु बन जाता है, अणु तीन मिलते हैं तो त्रिशरणु बन जाता है। पीछे कोई बच्चा खड़ा नहीं रहेगा, भाई अरे भाई आप इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। पीछे मशीन के पास कोई बच्चा आने का कष्ट नहीं करें। हम 42 साल तक पढ़ाते रहे तो शांति प्रिय है, क्लास भी शांति से लेते रहे। चुनाव के समय पूरा स्टाफ चला जाता ड्यूटी में, हम अकेले ही 7 क्लास पढ़ाते थे, अकेले ही 1 से लेके 8 तक 8 क्लास कवर करते थे, लेकिन बात नहीं कर पाता कोई बच्चा, तो आदत वही पड़ी है। शांति प्रिय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे छोटा समय परमाणु है। परमाणु मिलते हैं तो दो अणु बन जाता है, अणु तीन मिलते हैं तो त्रिशरणु बन जाता है। ये त्रिशरणु सब जगह उड़ रहे, दिखाई नहीं दे रहे। कब दिखाई देते हैं? जब
अपन कमरे में बैठे हो और रोशनदान से कहीं सूर्य की किरण आ रही हो तो उसमें उड़ते दिखाई पड़ते हैं, अथवा रात में कोई वाहन चल रहा है तो वाहन की लाइट में उड़ते दिखाई पड़ते हैं। ये त्रिशरण सब जगह उड़ रही, यहाँ भी उड़ रहे, दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए हम सबको, ये बच्ची इकट्ठी होगी भाई हटाओ इन्हें, एक आदमी हमारे निशारे को देख लिया करो, दो बच्चे दो बूढ़े इकट्ठे नहीं हो पाए, इस कथा का शांति रखने का तरीका है। दो बच्चे और दो बूढ़े इकट्ठे नहीं हो पाए, अलग अलग कर दो इन्हें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी ने नाक से सांस लेने का विधान लिखा। नाक में हमारी में आड़े मेढ़े रोम रहते हैं, वो फिल्टर का काम करते हैं। जैसे गाड़ी में फिल्टर तेल को छान के देता है, ऐसे ही हमारी नाक में जो रोम है वो फिल्टर का काम करते हैं। हृदय तक सांस जाएगी, वो छनी हुई जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे लोग दाढ़ी बनाते तो फिल्टर पर खींची लगा देते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। आप देखो सरदार कभी फिल्टर को नहीं काटते हैं तो मजबूत रहते हैं। सरदार तंदुरुस्त मिलेंगे आपको। और पंडित जी को इतने इतने को इतने काटें को मुसलमान जैसी दाढ़ी, कमज़ोर मिलेंगे। इसलिए त्रिशरणु हमारे को कमज़ोर न कर पाए। त्रिशरणु जब मिलते हैं तो आगे चल के वही काल बन जाता है, त्रुटि बन जाती है, भेद बन जाता है, निमिष बन जाता है, लव बन जाता है। लव 1.6 सेकंड का तीसरा हिस्सा है। इतने समय में भी सत्संग होता तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए उसके बाद फिर लघु बनता है, नाड़ी बन जाती है, मुहूर्त बन जाता है, दिन बन जाता है, पक्ष बन जाता है, महीना बन जाता है, वर्ष बन जाता है, कल्प बन जाता है। ऐसे 432,000 का सबसे छोटा कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों नहीं बोल रहे भाई, राम बिहारी, राम बिहारी सीधे बैठो, जय बोलो, जय 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 बोलिए, जय। अब मुंह खोल रहा हो इनको देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा पानी डाल दो, अरे बछिया दे दो इन्हें, पता क्या है कब क्या हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं, त्रिलोक्याम युग सहस्रम, ये तीनों युग जब एक एक हजार बार निकल जाते हैं, चारों युग एक एक हजार बार निकल गए तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, इस समय 7वें मनु चल रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने समय का निर्माण किया। उसके बाद बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों मानसिक ऋषियों को जन्म दिया। ये तपस्या करने के लिए चले गए, ब्रह्मा जी ने बहुत मना किया, पूर्व रुद्रेता ब्रह्मचारी हो जाते हैं। जब ये तपस्या करने चले गए, ब्रह्मा जी ने समझाया सीताराम 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 सीताराम, सीधी बैठो बहन जी, देर से आई हो, सीधी बैठो, एक दो मिनट समय बेकार कर लेती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, क्रोध पैदा किया, लोभ पैदा किया, उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की भौं से एक बालक पैदा हुआ, इसका नील लोहित नाम हो गया। बालक रोने लगा, यदि रोदी सर्वश्रेष्ठम, ऐसा रोया बालक, ऐसा रोया
बालक रोता है। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र तुम्हारा नाम हो जाएगा, आज के बाद बालक रोएंगे। ऐसे देवृत्ति उसना उमा न्युत सर्पी इला अंबिका सुधावती सुधा दीक्षा, ये 11 तुम्हारी स्त्रियां हो जाएंगी। मनु मनु महिनस महाशिवृत उग्रेता भव का बाम देव, ये तुम्हारे 11 नाम हो जाएंगे। सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शंकर जी ने ऐसे बनाए, किसी के पाँव नहीं किसी के पाँव ही पाँव, किसी के मुख नहीं किसी के मुख ही मुख, किसी के बाएं नहीं किसी के बाएं बाएं। ये ब्रह्मा जी की बारात में गए हैं, वो शिव जी की बारात में ये गण गए, तब वहाँ महाराज मैना के यहाँ हिमाचल जी के यहाँ बच्चों ने कहा है, बताया है उन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं ओ मुख ही न विपुल मुख काहू, ओ मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद को बहु पद बाहू, ओ बिनु पद को बहु पद बाहू, ओ मुख ही न विपुल। कोई बिना मुख का, किसी के मुख ही मुख, किसी के हाथ नहीं किसी के हाथ ही हाथ, किसी के पैर नहीं किसी के पैर ही। ब्रह्मा जी की सृष्टि पहले की जो थी उसको बीन बीन के खाने लगे, त्राय त्राय मच गई। बोले तुम तपस्या करने चले जाओ, भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले गए। सृष्टि का विस्तार आगे कैसे हो इसके लिए विचार करने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो हिस्से कर दिए, आधे से मनु आधे से सतरूपा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर तीन पुत्रियों को जन्म दिया, आकूति देवहूति प्रसूति, और दो पुत्रों को जन्म दिया, स्वयंभू मनु महाराज ने दो पुत्रों को जन्म दिया और तानपाद प्रियव्रत। ऐसे सृष्टि के विस्तार में सहयोग किया। इनकी जो पहली पुत्री थी आकूति, वो रुचि ऋषि को ब्याही गई, ये बड़े तपस्वी थे, पत्नी मिल गई फिर हवन करने लगे थे। माताओं बहने तुम्हारा विवाह क्यों हुआ है पता है तुम्हें, चौका पोंछा लगाने के लिए या हवन करने के लिए तुम्हें पता ही नहीं है, बिना पत्नी के हवन नहीं किया जा सकता, इसलिए तपस्या के लिए हवन के लिए तुम्हारा विवाह हुआ है। 7-5 वचन में क्या मांगा तुम्हें पता है, विवाह का नहीं पता है। 7-5 वचन में पहला वचन यही है, तीर्थो व्रतो द्यापन यज्ञदानम मया सहत्वम यदिकांत कुर्यात्। हे स्वामी तीर्थ जाओ तो मुझे लेके चलो, व्रत करो द्यापन करो हवन करो तो मुझे लेके बैठो, आपको हवन नहीं करना है, आपको तो हवन यज्ञशाला में गांठ जोड़ के बैठ जाना है, तुम्हें बिना करे ही पुण्य मिलेगा। देखो किसी का पति फौज में है, फौज में है और कोई कारणवश उसको कोई बात हो जाए तो पत्नी को उसका वेतन मिलता है कि नहीं, जब तक उसकी नौकरी का समय होगा तब तक वेतन मिलेगा, वो ट्रेनिंग करने थोड़े ही जाएगी, घर बैठे अधिकारी आएगा उसको वही वेतन देगा, और बच्चा है तो नौकरी दे जाएगा, उसकी सर्विस पूरी हो जाएगी फिर उसको पेंशन मिलेगी। ऐसे ही तुम यज्ञ में बैठ जाऊंगी, इन्हें हवन करने की शक्ति मिल जाएगी, तुम्हें कुछ करना थोड़े ही है, लेकिन आज जो नहीं करना उसे तुम कर रही हो, हवन जरूर करेंगे। हवन जहाँ होता हमने देखा, पुरुष बैठा भले ही नहीं होगा ये जरूर बैठी होंगी, तुम्हें हवन थोड़ी करना है, लेकिन तुम्हें गांठ जोड़ के बैठ जाना है, मानेंगी थोड़े ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये। तुम्हें बारात में नहीं जाना था, जाने लगी कि नहीं, जाती हो अब जाने लगी है। तुम्हें सब्जी मंडी में सब्जी लेने नहीं जाना था, जाती हो कि नहीं,
जाती है। बाजार में देखो आदमी कम मिलेगा, माताएं ज्यादा मिलेंगी। जबकि वेद शास्त्र कहते हैं घर से बाहर मत निकलो, तो जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए वो सब कर रही हो। तुम्हें कथा भी नहीं कहना चाहिए। आजकल तुम्हारी बच्चियां कथा कह रही कि नहीं? ब्राह्मण की बच्चियां कथा कह रही हैं, क्षत्रियों की बच्चियां कथा कह रही हैं, कुशवाओं में कुशवा की कह रही हैं, और बघेलों में बघेलियों की बच्ची कथा कह रही हैं, जाटों में जाटों की बच्ची कथा कह रही हैं, गुर्जरों में गुर्जरों की बच्ची कथा कह रही हैं, यादवों में यादवों की बच्चियाँ कथा कह रही हैं। नहीं कहना चाहिए तुम्हें? नौकरी को नहीं जाना चाहिए? जा रही कि नहीं? देखो जहाँ देखो वहाँ तक नौकरी में जाने के लिए तैयार हैं। तो जो काम नहीं करना चाहिए वेद के प्रतिकूल वो सब करने तैयार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और तुम करोगी क्यों? कलयुग में लिखा है, कलयुग में पहले ऋषि लिख गए हैं हाँ कि तुम्हें मालकी करने का अवसर मिलेगा। तो और युग में कर नहीं पाई, अब कलयुग में ही तो मालकी कर रही हो। नौकरी करोगी तो मालकी करोगी, पूरे घर की मालकी है, देख रेख है, व्यवस्था है, ये करोगी। इसलिए तुम्हें ये ऋषियों की तरफ से कलयुग में छूट दे दी गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जैसे ही तपस्या करती हैं और तपस्या करने के बाद इनके बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे दत्तर्दाक्षाणी छत्तरम ये तपस्या करती हैं, इनके यज्ञ नारायण पुत्र हो जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। दूसरे जो पुत्री है देवहूति, देवहूति कर्दम जी को ब्याई गई थी। इन्होंने बड़ी तपस्या की, ये कर्दम जी ने 10,000 वर्ष समुद्र के किनारे सरस्वती के किनारे खड़े होकर तपस्या की है। ये क्यों तपस्या कर रहे थे? मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, श्रेष्ठ पत्नी मिल जाए, ये तपस्या करते हैं। जैसे ही पृथ्वी की देव शक्ति को हरण्याक्ष तकिया बना के सो गया था, तब भगवान ने 12 रूप लेके उसका उद्धार किया। तो ऋषियों ने पूछा कि भगवान ये बताओ ये हरण्याक्ष कौन था जिसके लिए भगवान को 12 बनना पड़ा? तो कहना शुरू कर दिया, ब्रह्मा जी ने मानसा में सतो यस्मत पूर्जाव सनका दिया, मेरे मानस ऋषि सनक संदन सनातन सुत कुमार एक दिन तपस्या करते हुए भगवान नारायण के यहाँ चले जा रहे थे। नारायण 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 श्रीमन्ना नारायण कहते हुए जैसे ही आए, 6 ड्योढ़ी पर कर ली थी, 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय ने इनको बैंत लगा दिया। ए हमको पूछते भी नहीं, बिना पूछे चले जाते, इन्होंने साप दे दिया, जाओ जहाँ विषम स्वभाव वाले लोग रहते वहाँ चले जाओ। जैसे ही साप लगा भगवान सामने से आ गए थे। इन्हें 3 जन्म का साप लग गया था। कारण क्या है? एक बार इन्होंने नारायण को भी रोका था, एक बार लक्ष्मी जी को रोका था। लक्ष्मी ने साप दिया, भगवान ने रोक दिया। लक्ष्मी ने कहा आपने तो ये सिर पे चढ़ा लिए, आप पहले गलती करने पर इन्हें टोक देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये। तो ये उदम दंगा नहीं करते। भगवान ने कहा हमने तो इन्हें गलती करने के लिए मौका दिया है, क्योंकि ये इस लोक में रहेंगे तो फिर उद्यम करेंगे,
मृत लोक में चले जाएंगे तो इन्हें होश आ जाएगा, अच्छी तरह संभल के आएंगे। तो पहले जन्म में भगवान की इच्छा थी, दूसरे जन्म में लक्ष्मी की इच्छा थी, तीसरे जन्म में ऋषियों की इच्छा थी। इन्हें तीन जन्म के लिए साप लग गया था। गोस्वामी भी लिख रहे हैं, भी कहते हैं, मुक्त न भये हते भगवान। तीन जन्म का साप लग गया। ऐसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहला जन्म इनका हिरण्याक्षरणकश्यपु का हुआ, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का हुआ, तीसरा शिशुपाल दंत वक्र का हुआ। भगवान ने तीनों जन्म में इनको कल्याण की मार्ग के लिए भेजा, कल्याण किया। ऐसे भगवान की पावन कथा का वर्णन किया श्री ब्रह्मा जी। सोच रहे हैं विस्तार आगे कैसे हो। इधर तपस्या करने के बाद श्री ऋषि को भगवान ने वचन दिया, ऋषिवर तुम जहाँ तपस्या कर रहे हो वहीं मनु महाराज अपनी पुत्री देने के लिए आएंगे, उसमें तुम नौ पुत्रियों को जन्म दोगे, दसवां तुम्हारा पुत्र बन के मैं आ जाऊँगा। ऐसे कहते हुए भगवान अंतर्धान हुए। उस समय उनकी आँख से आंसू गिरा, जिसे बिंद सरोवर का निर्माण हो गया। ऋषि तपस्या से उपरत होते हैं, उसी समय मनु जी अपनी पुत्री को लिए हुए आते हैं। बड़ा सुंदर इन्होंने आश्रम देखा, जहाँ गाय और शेर एक ही जगह बैठे हुए हैं, सर्प और चूहा एक ही जगह बैठा हुआ है, बिल्ली और कुकर एक ही जगह बैठा हुआ है। कहा इतना सुंदर जहाँ मैं प्रदान करता हूँ, करदम जी को देवभूति प्रदान कर दी। मनु महाराज चले जाते हैं, देवभूति कहती हैं, स्वामी हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे। बड़ा सुंदर विमान आ जाता है, उस विमान में बैठ के ये तीर्थों को जाते हैं। सौ वर्ष तक विमान घूमता रहता है, हर तीर्थ में भूखों की सेवा करते हैं, वस्त्र प्रदान करते हैं। तीर्थ में अपन कभी जाएं तो भूखों को भोजन दें, प्यासे को जल पिलाएं, शीश से ठेठते हुए को वस्त्र दें, तो अपना पुण्य पूर्ण प्राप्त से प्राप्त होता है। हम तीर्थों में किसी का भोजन नहीं करें, अपन लोग बड़ी गलती करते हैं। खालसा जो संतों के लगे रहते हैं, संतों के खालसा में भोजन करते हैं। एक महीना रहेंगे, 10,000 का भोजन करेंगे, विदाई 1,100 की दे के चलेंगे। सबसे बड़ी कमी है, अभी हम इलाहाबाद गए थे, हमारे साथ में दो बच्चे थे, उनने कहा हम भोजन करेंगे तो सब्जी नहीं थी, एक दाल एक सब्जी ली थी 340 रुपये की मिली था, एक दाल एक सब्जी, थोड़ी थोड़ी लगा के तीन लोगों ने खाई। तो अब बताओ एक दाल एक सब्जी में 340 रुपये लग गए एक 10 मिनट में ही, और आप तो एक माह रहोगे उसी खालसे में, खाओगे नाश्ता करोगे और 1,100 रुपये विदाई दे के आओगे। तो संत का भोजन करने से हमारी बुद्धि खराब हो गई, फिर भजन करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए तीर्थों में किसी का दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद ये 100 वर्ष के बाद आए, 9 पुत्रियों को जन्म दिया, तपस्या करने के लिए चलने लगे। माता देवभूति ने कहा एक पुत्र मुझे देते जाइए। ऐसे याद आ गया, अरे हमने
भगवान ने वरदान दिया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए साधना करते हैं भगवान पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। कपिल रूप से भगवान प्रकट हुए, माता से कहा माँ इस जन्म में मैं बाहर के राक्षसों का वध नहीं करूँगा, इस अवतार में अंदर के राक्षसों का वध करूँगा। अंदर अपने जो राक्षस हैं काम क्रोध मोह लव लोभ बंध वत्सल अहंकार जो अंदर रहते हैं, ये प्रवचन के द्वारा उपदेश के द्वारा उन्हें क्षमा शांत करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान कपिल देव का आख्यान जैसे ही ऋषि तपस्या करने के लिए चलने लगे, उस समय कपिल देव भगवान बैठे थे, ऋषि ने परिक्रमा की समझ गए भगवान ने की इच्छा नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, समत्व योग में घूमते हुए क्षेत्र का कल्याण करें। ऐसे प्रणाम करके ऋषि चले जाते हैं। दक्षिणीकृत तम प्रीतो वनम एव जगामः, दयनीय परिक्रमा करके ऋषि चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब दयनीय परिक्रमा करके चले जाते हैं, हमने निवेदन किया था कल भी कि जब तक पिता को ज्ञान नहीं है तब तक पुत्र से प्रणाम कराता है, और पिता को ज्ञान आ जाता है तो फिर पुत्र को प्रणाम करता है। हमारे राम जी को दशरथ जी ने जब मोह से देखा था तो राम जी ने दशरथ जी को ज्ञान दे दिया, चेताय पिताय दीने दृढ़ ज्ञाना, तो दशरथ जी ने राम जी को बार बार प्रणाम किया है, एक बार नहीं, गोस्वामी लिख रहे हैं बार बार करे प्रभु है प्रणामा, बार बार करे प्रभु है प्रणाम। वत्सल भगवान की जय। जय जय। ऐसे प्रणाम करके चले जाते, जब प्रणाम करके चले गए ऐसे ही ऋषि चले जाते हैं। प्रणाम करके चले गए, थोड़ा ई को कम करना है, ई को थोड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय माता देवहूति बैठी थी, माता देवहूति ने देखा कपिल भगवान एकांत में बैठे हैं, माता प्रश्न कर रही है। निर्विण नाम नितराम भूमन सदेन्द्रिय तर्षणाथ, हे लाला इन इंद्रियों ने मुझे बहुत परेशान किया है। देखो व्यक्ति को इंद्रियां परेशान करती हैं। पहले हम लोग पंगत जहां सुनते थे वहां दौड़ के जाते थे, गर्मी में पांव जलते रहते तो अकगुआ के पत्ता बांध लेते थे पैरों से, और भोजन करने के लिए जाते थे। अब पंगति की इतनी रुचि नहीं रही है क्योंकि वैसा शुद्ध भोजन भी नहीं बन रहा है। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जिह्वा परेशान करती है, बैठ जा बैठ जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये छोटी बहनें अपने बच्चों को संभालो, और पंडित जी तुम्हारे बच्चों को भी संभालें, तुम्हें कथा सुनाएं बच्चों को संभालें, बच्चों को आप गोद में लेके बैठाओ। हमें हमारी माता ने गोद में बैठ के कथा सुनाई, 3 साल के हम थे याद है हमें, माता गोद में बिठा लेती थी, छोड़ती थोड़ी थी, तुमने दोनों को छोड़ दिया, एक इधर एक उधर, हमें आज याद है वो कथा। तो बच्चों को, बच्चा तो गर्व से सीख लेता है, आप देखो छोटा बच्चा मोबाइल इतने ढंग से चलाता है हम लोग नहीं चला पाते, छोटा बच्चा चला लेता है। तो आप ये मत सोचो बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा आपसे अच्छा है, आप उसको बिठा के कथा सुनाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा,
देखो एलकेजी यूकेजी बच्चा जाता है सीधी बैठो, सीधी कहो ऐसे, सीधी बैठो और सीधी बैठ। तुम्हें बिठाने में लगे रहे हम पूरे दिन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पहले कोई बैठा उसे हटाना नहीं चाहिए, कोई बच्चा हो बच्ची कोई बैठ गया माने बैठ गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए बच्चे को संभाल के बैठाओ। हमारे यहाँ तो बच्चा ये लिखा है गर्भ से सीख लेता है, गर्भ में बच्चा समझदार हो जाता है, गर्भ से सीख लेता है। हमारे यहाँ वेद सिंह तोमर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था सीताराम। सीधी बैठो एकदम हरकत मत करो। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता था, क्यों मिला था? उन्होंने 17.5 किलो की मूली और 4.5 किलो का बैंगन और 2.5 किलो का टमाटर दिल्ली प्रदर्शनी में दिया था, जिस समय डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे। उन्होंने कई शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। तो जब कृषि पंडित वेद सिंह तोमर को कृषि पंडित कहा था, खड़े हो जाइए आप बताइए किस तरीके से 17.5 किलो की मूली तैयार की आप। तो वेद सिंह तोमर खड़े हो गए थे, उनने सभी लोगों का अभिवादन किया, फिर बताया एक पुस्तक में लिखा था मूली को भैरव राग सुनवाने से आकार बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ खड़ियाहार में श्री विजयगिरि महाराज जी जिन्हें मेघ मलार रागनी सिद्ध थी, जेठ के महीना में गा देते थे तो बादल आज के बरस जाते थे। मेघ बोले हाँ गुरुजी, उस समय विद्यालय की क्यारियों में 10.5, 11, 12.5 किलो की बहुत मूली थी। एक मूली जिसकी हमारे मामा जी बताते उनके भांजे थे पूजा करते थे और 17.5 किलो की थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मूली को भैरव राग सुनाने से 17.5 किलो की उसकी वजन आकृति हुई, बैंगन 4.5 किलो का हो गया और टमाटर 2.5 किलो का हो गया। तो बच्चे को गर्भ में जैसा दिखाओगे जैसा सुनाओगे, ये हमारी माताएं बहुएं रंगोली देखेंगी दिखाएंगी तो बच्चा उसी प्रभाव से प्रभावित होगा। बच्चे को भगवान की कथा सुनाओ, मीराबाई के भजन सुनवाओ, सूरदास के भजन सुनवाओ तो भक्त पैदा हो जाएगा। इसलिए आज वो वर्णन करते हैं, हे माता योगाध्यात्म का पुंसा मतो निश्रे साय में। माता शिकायत कर रही है कि इंद्रियों ने मुझे बहुत परेशान किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी भी शिकायत करते हैं, तुलसीदास भी शिकायत करते हैं, वो सभी कह रहे हैं, वो कहते हैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो बहुत गोपाल काम क्रोध को पहरे चोलना की माँ
सूरदास भी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अवलो न सानी अवन से हो, बस जाने हस्यो आए नैन्द्र नो, पर बस जाने हस्यो नैन्द्र नो, निज बस हुए न हसे हो, अवलो न सानी अवन से हो, अवलो न सानी अवन। वत्सल भगवान की जय। इस तरह श्री माता देवहूति शिकायत करती, निर्विष्टाम नितराम भुवन सदिंद्रिय तर्षणा, हे लाला इंद्रियां मुझे परेशान कर रही, तमता गता हम शरणम शरण्यम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दो। भगवान कहते योगाध्यात्म का पुंसा मतो ने श्रेय साय में, माता योग के द्वारा मैं श्रेय मार्ग की तुम्हें पद्धति बताता हूँ, भक्ति के द्वारा ज्ञान के द्वारा मन को शुद्ध कर। गीतमेदा मना शुद्ध मधुखम सुखम सम, मन जब शुद्ध हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषण, हम किसी से शत्रुता न करें। ये बिना मतलब के बच्चे जो ड्राम के पास खड़े हैं वहाँ से हटते जाएं, ड्राम के पास पानी पिलाने वाले रह जाओ, बाकी हटो, बाकी हटो, पानी पिलाने वाले रह जाओ, हटो बाकी हटो, वहाँ से हटो, हट जाओ, हट जाओ वहां से हटो, केवल जल पिलाने वाले रह जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी हम किरणाज कथा कर रहे थे, वहां बच्चे फीका पानी नहीं पिलाते थे, मीठा पानी। किसी दिन तू अब जा, किसी दिन नींबू। अब फीके पानी पे इतना उधम कर रहे हैं, यहां भी कुछ है लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, कुछ है उस पानी में। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए, देखो गूंगा होटल होता है उसमें हजारों बच्चे काम करते हैं, आवाज नहीं आती है। ऐसे ही कथा में बिल्कुल विघ्न बाधा ना उपजे, बड़े ही शांति से आप जल पिलाइए, मिठाई मीठा पिलाइए, शरबत पिलाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर आ गई शक्कर, इनको ड्राम में उतार दो, इन बच्चों को भीतर, ये बच्चे वहां से फालतू हट जाइए, हटो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, भक्त्या अपमान जात वैराग, इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग तीनों ही हमारा कल्याण करते हैं। तो कह दिया, हे माता भक्ति के द्वारा किसी को प्राप्ति करना है तो भक्ति क्या है, सर्वेन्द्रियाणाम या वृत्ति सब भक्ति, जिसकी सब इंद्रियां प्रभु से जुड़ जाएं वह भक्ति है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वे से रूपानुसंधान शक्ति सब भक्ति, अपने स्वरूप की पहचान करना ही भक्ति है। ऐसे ये निवेदन है, कल से ये ड्राम वहीं रखे जाए भैया, ये ड्राम यहाँ नहीं आए ना टैंकर यहाँ आए, वहीं से कल आप व्यवस्था को सुधार लें थोड़ी, क्योंकि हमारी आदत भी खराब है और बच्चों का स्वभाव होता है बातें करना। हम ये चाहते हैं कि शांति से कथा के शब्द आप तक पहुँच सकें, ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए हमारे व्यवस्थापक इंटरवल के बाद ही ये ड्राम खाली होने पर वहाँ पहुँचाएँ और टैंकर भी वहीं पहुँचाएँ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वो कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगे नान मनोन्वरी अर्पित स्तरम। भक्ति भी तीव्र होना चाहिए, आप चाहे एक महीना करो चाहे 15 दिन करो, तीव्र भक्ति हो। जैसे नदी की धारा अपने अभी हल्की चल रही है तो कोई किनारे के पेड़ उखड़ेंगे नहीं, और यही धारा तीव्र हो जाएगी तो किनारे के पेड़ उखड़ जाएंगे। तो भक्ति जब तीव्र होगी तो काम क्रोध लोभ रूपी जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं और बह जाते हैं। तो भक्ति तीव्र होना चाहिए, दमदारी से होना चाहिए। ऐसे समझ लो जैसे लाइट हल्की आ जाए डिम तो तुम्हारी कोई मशीन नहीं उठेगी, कोई पंखा कूलर भी नहीं चलेंगे। ऐसे ही भक्ति, हल्की भक्ति काम नहीं करेगी। आपको एक बार कर लेना है, एक बार मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर फिर करनी नहीं पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा है अच्छी तरह क्लास को पास कर लेता है, क्लास पास कर लिया तो दोबारा उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, उसी से नौकरी लग जाएगी, जिंदगी पूरी पार हो जाएगी। ऐसे एक बार आपने भक्ति कर ली तो फिर नहीं करनी पड़ेगी। भक्ति दमदारी से करिए, मेहनत से करिए, आलस्य मत करो तो भक्ति कल्याण करेगी। ऐसे अन्न मन बनाता है, अन्न पवित्र होना चाहिए। अन्न पवित्र होगा तो मन पवित्र बनेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्न पवित्र हो, शुद्ध हो। बोलो गुरुदेव भगवान की। आप देखिए संत भगवान जल मांग रहे थे, चमकते हुए लोटा में जल दिया। तो संत की आदत होती है कि देख वार के पीते हैं तो पहले लोटा गोटा दाल उनमें गोड़ा होता था नीचे आराम से टिक जाए, तो देखा तो गोड़ा में कड़ी लगी थी। संत ने पैरों पर डाल लिया, चले गए। आगे दूसरी माता का चमकता हुआ दरवाजा देखा तो संत ने आवाज लगाई, सुमैया जल लेके आई, उनने देख भार के पी लिया। तब पूछा मैया वो कौन सी मैया का दरवाजा है कि महाराज कुछ हो गया? बोले हाँ हो तो गया, थोड़ी सी बात कि महाराज मेरी बड़ी बहन का दरवाजा है वो, हमने जल मांगा था सो लोटा के गोड़ा में कड़ी लगी थी। बोले महाराज वो डरती है, सवरे वासन बीन के और कमरा में अंदर डाल देती है। बोले तुम कि हमें तो किसी का डर है नहीं, सो आंगन में पड़े रहते हैं सो कुत्ता चाट चाट के चमका जाते हैं, हमें मांझने भी नहीं पड़ते। तो माताओं से निवेदन है, कई माताओं के घर में हमने बर्तन खुले रखे देखे, उसी में से कौआ चोंच भर के पानी ले गया पी गया, उसी में से पंडित जी के लिए हलवा खीर बना। तो माता वो अशुद्ध हो जाएगा, बुद्धि वैसी हम लोगों की हो जाएगी, इसलिए शुद्ध होना चाहिए। अन्न से मन बनता है, अन्न ही बनावे मन, मन जैसी इंद्रियां होई, इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। अन्न के प्रताप से वीर क्लीव क्लीव वीर, अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न ही के दूषण से आप अन्न जो है जब दूषित होगा तो हमारा मन भी दूषित हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति के लक्षणों के साथ योग का वर्णन करते हुए माता को कल्याण का मार्ग बता दिया। माता कल्याण को प्राप्त कर लेती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका विश्राम होता है। आप हमारे पंडित श्री राजेश शास्त्री जी के विदुर घर पाहो ना, विदुर घर पाहो ना, विदुर घर पाहो ना, विदुर घर पाहो ना, आज हरि आए विदुर घर पाहो ना, आज हरि आए। Thank you.
विदुर नहीं घर थी विदुरानी विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आवत देखे सारंग पानी ले पीड़ा बैठा होना सोच भयो है विदुरानी मन सोच भयो है घर में अब कछु नाही रहो है घर में अब कछु नाही रहो है कदली फल ले छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना ओ लागे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना आज हरि आए इतने माही विदुर जी आए इतने माही विदुर जी आए खाटे मीठे वचन सुनाए खाटे मीठे वचन सुनाए छिलका देख बहुत शर्माए छिलका देख बहुत शर्माए मुख माही निगी देत गिरधर मुख माही कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वह स्वाद अब आवना वह स्वाद अब आवना आज हरि आए विदुर घर पाहुना
प्यास लगेगी तो उसी गिलास में पानी पियो और यहाँ से जाओ तब फेंकना मत। हम तो ये दो बच्चे आएंगे, एक पुरुषों की तरफ एक माता का कट्टा लेके आएगा, उस कट्टा में डाल दो तो ये गंदगी ज्यादा तरफ होती होनी है। 4:30 बजे दो बारह कट्टा लेके तो गिलास उसमें इकट्ठे करके एक तरफ जाके वहां आग लगा दो, चारों तरफ गंदगी नहीं होगी। माताएं मैंने शरबत पियो, पानी पियो, गिलास बनाए रखना है। सभी पुरुषों से भी निवेदन है कि आप शरबत पियो, जल पियो, 4:30 बजे तक गिलास अपना उसी गिलास को रखो। मुरली सुनते निरो मन हर लीनो
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गुरु भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्राम पूरा हो गया है, इन बच्चों को समझा देना बेटा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस श्लोक को सब बोला करो, कृष्णाय वासुदेवाय, सब बोलो कृष्णाय वासुदेवाय। आप दोनों नहीं बोलोगे, पता लगेगा ये बोल रहे कि नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय, सर्वत को सब तैयार थी। अब इस श्लोक के लिए आवाज नहीं निकल रही है भैया, सब बोलेंगे, तुम्हें अपने अपने बगल वाले की संबंध है। कृष्णाय वासुदेवाय, बगल वाले का असर तो पड़ा। हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। विश्राम से पहले माता देवहूति को प्रभु ने ज्ञान दिया, भक्ति के द्वारा चाहे ज्ञान के द्वारा चाहे योग के द्वारा माता अपना कल्याण जीव कर सकता है। बता दिया, स्वरूप की पहचान हो जाए। तिरी में जैसे तेल है, दही में घी है और जमीन में स्रोत है, वैसे परमात्मा सब जगह है। उसका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे आकूति देवहूति दोनों पुत्रियों को मन सुना। तीसरी पुत्री प्रसूति है, वो दक्ष को ब्याही थी। उसके 16 कन्याओं का जन्म हुआ, 13 कन्याएं धर्म को दी गई, एक कन्या अग्नि को, एक कन्या पितर, सबसे छोटी पुत्री है वो भगवान शिव जी को ब्याही गई थी। अरविंद अरविंद, ये जब ड्राम का सर्वत पूरा हो जाए तो इसको उधर ले जाना बेटा, पूरा कर लो, मिला दो सब, खा
खाली हो जाए तो पीछे ले जाना छाया में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटी पुत्री शिवजी को ब्याही गई, उसके कोई संतान नहीं हुई थी, अपने पिता के यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई थी। जो इतना सुना तो प्रश्न कर दिया, कहना शुरू कर दिया, भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल विद्वेषम करोत कस्मात नादृत्यात्मजाम सती। भगवान, सती सीधे स्वभाव की थी, सरल थी, फिर स्वामी ये बताओ पिता के यज्ञ में जल करके क्यों समाप्त हुई? तो कहने लगे, एक बार प्रजापति दक्ष सभापति बनाया गया, स्वागत सभा बुलाई गई थी, तो सब ऋषि आ गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब तीनों आ गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों आ चुके थे, दक्ष पीछे से आया, दक्ष माने चतुर है, चतुर पीछे से आता है। आप देखो दक्ष कब आएगा, दक्ष आएगा 21 तारीख को, भंडारा होगा उस दिन, नील टनोपान लगा के आएगा, फिर कहेगा अरे सरपंच साहब, अरे पुजारी परीक्षित, तुमने हमसे नहीं कहा, हमेशा पंडित लाते कि हाँ कमाल हो जाती, ऐसी व्यवस्था करते, ऐसे हलवाई। तो पीछे से आता है चतुर, फिर कमी देखता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा हमेशा बैठ के सुनी जाती है, जो खड़े हैं, खड़े होने से दोष लगता है, बैठ जाइए, बैठ के सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलने लगे, दक्ष ने देखा मेरे स्वागत में कौन कौन खड़े नहीं हुए, ये देखा, रिते विरंचिम सर्वम, इसने देखा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए हैं, विष्णु जी खड़े नहीं हुए हैं, शिव जी खड़े नहीं हुए हैं। ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये हमारे पिताजी हैं, खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी के पिताजी हैं विष्णु जी। लेकिन जब शिव जी को देखा तो क्रोध आ गया, क्रोध में आके दक्ष क्या बोला, अरे ये समय शिष्यताम प्राप्त हो यन में दुहित अनुग्रहित, ये तो मेरे शिष्य की तरह है, इसने मेरी पुत्री का हाथ अपने हाथ में ग्रहण किया है, लेकिन बड़ी भूल हो गई। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पारम मरकट लोचना, मेरी पुत्री की आंखें मृग नैनी हैं, इसकी आंखें बंदर जैसी हैं, मरकट लोचना। क्यों जी, शंकर जी की आंखें बंदर जैसी हैं क्या, बड़े बड़े नेत्र हैं शंख जैसे, लेकिन दक्ष को बंदर जैसी दिखाई पड़ रही, इसका मतलब क्या है? क्रोध आता है तो सामने वाले का चेहरा बंदर जैसे दिखाई पड़ता है। जब क्रोध आया दक्ष को, शंकर जी की आंखें बंदर जैसी दिखाई पड़ी, पुत्री के आंख मृग जैसे दिखाई पड़े नेत्र। कहने लगा, प्रेतावासेश घोरेशु प्रेते भूत गणी व्रतः, ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, मरघट की भस्म लगाता है और त्रिपुंड लगाता है, इसकी सब बुद्धि जो है विचार नष्ट हो गए हैं। सभागम न लभताम देवई देवगणाधमा, तमाम बातें कहते कहते दक्ष ने कह दिया कि आज के बाद शिवजी को देवताओं के साथ में भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों? शंकर जी अखंड ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बच्चा कहना चाहता है पापा जी और निकल गया पा जी, तो पिता तो जानता है कि ये पापा जी कहना चाह रहा था, लेकिन पा जी निकल गया है,
तो ज्ञान ही अज्ञान पे नाराज नहीं होता है, ऐसे शंकर भगवान पे कोई प्रभाव ना पड़ा। लेकिन शंकर जी के भक्त जो नंदीश्वर हैं उनको क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो यो रोष कषाय दूषितः। नंदीश्वर रोष में दूषित आंखें हुई और दक्ष को साप दे दिया। सर्व भक्षा दुजावृत धृत विद्या तपोव्रत, या ब्राह्मण भी भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाएंगे, उनको ध्यान नहीं रहेगा। तो आचार्य भृगु ने भी साप दे दिया शंकर जी के गणों को, नष्ट शौचा मूण दियो जटा भस्मास धारणा, जाओ जटाएं रखेंगे भस्म लगाएंगे शिव जी को देख नहीं पाएंगे। तो जो स्वागत सभा थी वो साफ सभा हो गई। तब से लेके आज तक ये दक्ष का विरोध शिव जी से हो गया। इसने सोचा मैं कनखल में यज्ञ करूं, अपनी यज्ञ में जब शिव जी को हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई भी उसे हिस्सा नहीं देगा, ऐसा सोच करके कनखल में जाके यज्ञ करता है। सब देवी देवता बुलाए, वैसे देवताओं को भी जलन है, देवताओं को पता था सीताराम दक्ष का विरोध चल रहा था, तो देवताओं कैलाश से नहीं आते, दूसरी जगह से देवता निकल जाते, क्या जरूरत थी कैलाश से ही आए। कैलाश से निकले तो वो अपनी देवांगनाओं से कह देते कि यहाँ गाओ बजाओ मत, चुपचाप चलो, शिव जी का विरोध चल रहा है। अब विरोधी के द्वार पे तुम जय घोष करोगे तो उसे जोश आएगा कि नहीं। इसलिए देवता भी बड़े विचित्र हैं, वो वहीं से निकले और उनकी देवांगनाएं गाते बजाते जा रही हैं, गोस्वामी भी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं सुर सुंदरी करहि कल गाना, गाते बजाते निकल रही हैं। तदुपसत्य नवसी खेचराणाम प्रजलपताम, उस समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। ये गाते बजाते जा रही थी सती दाक्षायणी देवी पितर यज्ञ महोत्सव। सती ने समझ लिया हमारे पिताजी का यज्ञ हो रहा है। क्यों, कैसे समझा? इन माताओं बहनों की विशेषता होती है, जैसे काम करने जाती वैसे गीत गाती हैं। जब एक केला देवी करौली जाएंगी तो भेंट लंगुरिया गाएंगी, भात मांगने जाएंगी तो नरसी का नाम जरूर आएगा, यज्ञ में जाएंगी तो ताऊ पिता बाबा का नाम लेके गीत गाती हैं। इससे पहचान हो जाती है कि ये अमुक काम को जा रही हैं, पता लग गया। और सती जी भगवान शिव जी के पास गई। अंतर ये है, रामचरितमानस में पूछ रही है, भागवत में कह रही है, क्या कहती है इसको सुनेंगे। प्रजापतेस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ बलि, तेय्यम्मा जो कहती नहीं भेजा है, इसलिए वो कहती है तुम्हारे ससुर के यज्ञ हो रहा है। भयम च तत्र विसराम वामते यद्यर्थता भी विवधा ब्रजंती,
अहम आवाम वयम, ये बहुवचन है। वयम माने हम सब, हम सब चलें। भगवान शंकर जी ने का बात तो ठीक है, लेकिन बिना बुलाए चलना ठीक नहीं है। तो सती जी अपना विरोध बता रही हैं। शंकर जी कह रहे हैं, तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अपिभियन्ति सौर्दम। बात तो तुम्हारी ठीक है, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको सुने गया। न दुष्यन्ति न याचन्ते पर निन्दाम न कुर्वते अनाहुता न चायान्ति तेनास्मानोऽपि देवताः। हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष करने से हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। न याचन्ते, हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, मांगने से बुद्धि खराब हो जाएगी। माताएं सुन लो ध्यान से, ये बच्ची इसको सीधी बिठाओ, उधर मुंह करके बैठी है तो ये बातें करेगी। इसका मुंह इधर करो, बच्ची का करो इधर हमारी तरफ, सीधी बैठ बैठ सीधी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर बात है, इसको सुन लो भाई। न दुष्यंत न याचन्ते, हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। सीताराम सीताराम, देखो द्वेष करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद पिलाना रूठ गई है वो, हाँ अभी हम मनाएंगे उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बहन जी ने उसका चाटा मार दिया है तो रूठ गई है, उसको हम मनाएंगे अभी। गुड़िया रानी को अभी मनाते हैं। वो कहते हैं धर्मन दया सरिस हरि जाना, धर्मन दया सरिस हरि जाना, अघन पेशो नता सम कछु आना, के समान धर्म नहीं है और निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो आप लोग जैसे ही बच्चे को गोद में लिया तो जी का लहू टपक रहा था, माता ने लहू को रोका, बेटा कहां गिर गया? गिरने गया, गिराया गया, तूने गलती की होगी। माँ मैंने कोई अपराध नहीं किया था। उत्तम भैया पिता की गोद में बैठे थे, मैंने जैसे ही पिता की गोद में बैठना शुरू किया, कपड़े पिता के पकड़ कर मैं गोद में बैठना चाहता था, मौसी की निगाह पड़ गई,
मौसी ने क्रोध में आके मुझे नीचे गिरा दिया और ये कहा इस गोद में तुझे बैठना है तो सुन ले, पहले तपस्या कर। तपसा राध्य परसम, तपस्या करके परमात्मा को खुश कर। परमात्मा खुश हो जाए तो मेरे उधर से तू इस जन्म मांगना। जब मेरे उधर में जन्म लेकर आएगा तब तुझे वो गद्दी मिलेगी। ऐसे कहते हुए मुझे नीचे गिरा दिया। सत्यम सुरुच्याम भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। ठीक ही कहा, तो मुझे अवागिनी के उधर से जन्म लेकर नहीं आता, तो जहाँ तेरा पसीना गिरता वहाँ पिता तेरे खून बहा देते। जो मुझे पत्नी मानने में लज्जा मानते हैं वो तुझे पुत्र कैसे मानेंगे। हकीकत है किसी की पत्नी काली कलूटी हो तो वो साथ में नौकरी पर नहीं ले जाते, तुम यहीं रहो, हम हाथों से भोजन बना लेंगे। ये बच्ची जो पीट करके बैठी इसका सीधी बैठी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीधी बैठ, मुंह में क्या खलाई, निकालो से मुंह में क्या है निकालो से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुरुचि जब से आई थी तब से सुनीत को दुख दिया। जब 12 वर्ष तक कोई बच्चा बच्ची नहीं हुआ था तो सुनीत महारानी ने यह कहा कि आप विवाह दूसरा कर लो। और तानपाद बोले प्रिया तुम्हें सौत के बारे में जानकारी नहीं है क्या, फिर क्यों विवाह के लिए कह रही हो। मैं अपनी मौसी के बेटी से शादी करा दूंगी, वो तो मेरी बहन है, कि तुम बहन मानोगी वो नहीं मानेगी तो कह दिया मेरा वंश तो चल जाएगा। ठीक है, सुरुचि से विवाह हो गया था। एक दिन सुरुचि ने देखा ये सुनीत के महल से उतर रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई, को भवन में चली गई। महाराज को पता लगा कि छोटी रानी को भवन में चली गई है, कारण क्या है, क्यों चली गई मुझे क्या पता था, मेरी सौत से तुम्हारा प्रेम है, मैं तुमसे शादी नहीं करती। आखिर शादी हो गई, अब क्या उपाय है, देख लिया तुम पे घम आई तो इनने कुछ नहीं किया, पर्दा लगा रहे हैं, लग रहे हैं, देख ले हमने भी चाला की इन्हें पुरस्कार इधर बोर्ड लगाया था हमने हटा दिया। माताएं बहने गर्म धूप में बढ़ ही रहे, इन्हें कोई चिंता नहीं है, तो आज देखो पर्दा लगने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा सुंदर भाव दिया। जब ये पहुंच गए को भवन में बड़ी मुश्किल से प्रसन्न हुई, पूछा कारण क्या है, कैसे तुम प्रसन्न हो सकती हो। तो कह दिया मेरी सौत को इस खंडहर से मैं पहुंचा दो, महल से निकाल दो, 12 महीना के लिए एक जोड़ी धोती सादा दो और एक घड़ा जल 24 घंटे के लिए, सवा से जो दो, टूटे फूटे आसन दो, पत्तल दो, दही की रक्षा करने के लिए दी जाए, तो मैं इस महल में निवास करती हूँ, कर सकती हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बातें बड़ी कठिन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, जैसे ही ये बातें कहीं विपरीत थी, उत्तानपाद ने स्वीकृति नहीं की, खड़े होके चले आए। 2 दिन 2 रात और व्यतीत हो गए थे। सुनीति महारानी को पता लगा कि महाराज उत्तानपाद भूखे प्यासे हैं, न छोटी रानी ने 2 दिन से अन्न जल खाया है न उन्होंने खाया है। सुनीत महारानी ने सोचा राजाओं के शरीर कोमल होते हैं, देखो हम लोग तो धूप भी सह लेते हैं, धूल भी पी लेते हैं थोड़ी बहुत, जब चैत में लामनी होती है हम 100-150 ग्राम धूल भी गेहूं काटते समय खा लेते हैं,
लेकिन जो हमने दही पिया या छाछ पी सो ठीक हो गई। तभी तो लामनी होती है, तो दही या छाछ जरूर पिलाओ। माताओं बहनों ध्यान रखो, जब तुम्हारे भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति गेहूं काटे, सरसों काटे, तो मट्ठा या दही जरूर पिलाओ। उससे क्या होगा, वो छाछ साफ हो जाएगी। जो छाछ से धूल है वो धूल साफ हो जाएगी। आप देखो मट्ठा से बर्तन मांजो तो साफ हो जाता कि नहीं, ऐसे छाछ सफाई कर देती है अंदर आंत की। तो हम लोग तो 10-20 ग्राम धूल भी खा लेते हैं, कल आंधी आई तो 2-4 ग्राम तो चली गई होगी। हम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जे राजा महाराजा इनको जरा भी धूल चली गई तो जुकाम बीमारी हो जाए। लखनऊ के नवाब रात की चांदनी में छाता लगा के चलते थे, उनकी बग्घी के पहिया के नीचे मूली आ जाती, जुकाम हो जाता, इतना शरीर कोमल था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज को 2 दिन 2 रात व्यतीत हो गए हैं। सुनीत महारानी ने सुना, अब वो विवाह करना नहीं चाहते, मैंने जबरदस्ती से विवाह करा दिया, अब उनकी परेशानी में मैं शामिल हो जाऊं। दासी के द्वारा महाराज को बुलाया, महाराज समझ गए, सुनीत को पता लग गया है। आज सुनीत ने इतना आदर किया, इतना आदर किया सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना आदर किया और 16 प्रकार से पूजन किया। पूजन के बाद जो ही बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजन के बाद हाथ जोड़ के आरती करी। आरती करने के बाद परिक्रमा करके प्रणाम किया, फिर बोली, महाराज मेरी छोटी बहन आपकी सेवा के लिए आ गई है, आपको मेरी सेवा की आवश्यकता न हो तो मैं अनुष्ठान कर लूँ। अनुष्ठान क्या है, कैसे होगा, ये पीछे जो कूलर रखा है उसको यहाँ लाइए भाई, इधर से माताओं को दे दो, गद्दी के पास से। माताएं हवा रुमाल से कर रही हैं, कोई अपने पल्लू से कर रही हैं, वो पीछे कूलर खाली उसको ले आइए और आगे से पीछे को लगा दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय, राम जय, जय राम, श्री राम जय, राम बिहारी लाल की जय। ऐसे माता वहां से निकल आने दो, कूलर को जगह खाली कर दो, यहाँ आएगा बिल्कुल पाइप के पास में। श्री राम जय, राम जय, जय राम, श्री राम जय, राम जय, जय राम, श्री राम जय, राम जय, जय राम, से लगेगा, इधर हवा चली जाएगी ऐसे, यहाँ जगह खाली कर दो, ये बच्चियां बैठी हैं, यही कूलर आएगा, जगह खाली करो, माता माताजी खाली करो, बच्ची से कहो खड़ी हो, ये कूलर यही लगेगा आकर, बिल्कुल पाइप के आगे लगेगा, रस्सी हटा दो, ऊपर कर दो, इसमें कनेक्शन दे दो, पानी डाल दो, बस ठीक है, ठीक है, बना दे, बना ठीक है, बस ठीक, बहुत बढ़िया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं, कहा सेवा में आ गई है, अब मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है, मैं अनुष्ठान कर लूं। बोले कितने, कैसा करना है, कैसी जगह चाहिए। सुनीत महारानी बोली, इस महल में नहीं होगा, खंडहर में होगा, टूटा फूटा मकान हो, 4 दीवारी हो, फाटक लगा हो, ये रायसी वस्त्र में उतार दूंगी, सादा धोती चाहिए, 1 घड़ा जल चाहिए, 1.25 सेर जौ चाहिए,
टूटा फूटा आसन चाहिए, टूटे फूटे बर्तन कुल्हड़ चाहिए, दही की रक्षा करने को मुझे दिया जाए, और आपको समय हो तो आना, नहीं 12 वर्ष बाद जरूर कृपा करना। महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए, यही तो सुरुचि की मांग है। लेकिन धन्य सुनीत जो पति के कल्याण के लिए, ग्रह कलह मेटने के लिए, घर में कलह ना हो, उस मांग को अनुष्ठान बना रही है। आंखों में आंसू आ गए थे, धन्य है सुनीत महारानी। सुनीत महारानी को महल से निकाला गया था, जब महल से निकाला गया खंडर में पहुंचा दिया, एक घड़ा जल दिया गया था 24 घंटे के लिए, एक जोड़ी धोती सादा दी गई थी 12 महीने के लिए, टूटे फूटे पत्तल गिलास दिए गए, दही की रक्षा के लिए दिए गया। लेकिन धन्य माँ सुनीत उस एक जोड़ी धोती में से एक धोती दान कर देती थी, एक धोती गरीबों को दान करती थी, और एक धोती आधी पहन के आधी सुखा के आधी फिर सुखाती थी। अनुष्ठान करने लगी, जौ का टिक्कर जब बन जाता तो उसे गऊ को ग्रास निकाल देती, चींटी को, कुत्ता को, कौआ को, सबको हिस्सा देकर एक भूखे को भोजन कराने के बाद भोजन करती थी, ऐसा नियम बन गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कोई न कोई ठीक 12 बजे उनकी कुटिया पे पहुंच जाता था। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया, नारद जी ने कहा प्रभु ऐसी तपस्या करने वाला कोई नहीं है जो सुनीत तपस्या कर रही है। बस उसी समय भगवान ने साधु का वेश बनाया, और साधु का वेश बना के प्रभु जैसे ही कुटिया पे आते हैं और आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा दो माँ, बस उसी समय महारानी सुनीति गदगद हो जाती हैं कि ऐसे 12 वर्ष तक ये शब्द सुनाई नहीं पड़े, इतने मधुर शब्द, मीठे शब्द आज सुनाई पड़े हैं, ये तो कोई महान विभूति है। शब्द से ही पहचान होती है, माँ का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और पत्तल पे जौ के टिक्कर रख के ढका, कुल्हड़ में जल लेकर टूटे फूटे आसन को कांख में दबाया और जीने की सीढ़ियों से उतर के आए। भगवान सामने खड़े हैं सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चल हम कथा बंद कर ले, तो 5 झूले पे ले लो, कथा बंद कर रहे हैं, चुगा पाए, चुगा सेकंड के ताजे पंडित कैसा खराब है, फिर भी तुम विघ्न बाधा पैदा कर देती है। तुम्हें पता है ये पंडित खराब है, अभी तक सीधे पंडित आए होंगे, जी टेढ़ा है, खराब है। माताओं से निवेदन है कि बातचीत बिल्कुल मत करो, आप धूप देर में आई हो फिर 5 होंगी फिर विघ्न बाधा पैदा करती हूँ। बोलो भक्त बसल भगवान की। आइए उसी जगह जहाँ चर्चा है,